अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास यहाँ से। तो ट्रेवर्सल में जो हमें एक्चुअली हमें ट्रेवर्सल में दो चीजें है, एक तो है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो वो चीजें क्या होती है वो तो आपको एक असाइनमेंट है, वो तो आपने खुद करना है। उसके बाद हमारा ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ज्यादा डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसमें, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें तीन तरीके हमारे पास है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें तीन तरीके आते हैं, तो हम यही तीन तरीके देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो प्री ऑर्डर क्या बोलता है कि प्री ऑर्डर बोलता है आप प्रोसेस करो या जो भी आपने काम करना है, चाहे व्यू करना है, चाहे इसको कुछ इससे कुछ एडिट करना है, जो भी चीजें आपको करनी है, मोस्टली अच्छा मैं विजिट करो, विजिट करने को व्यू करो, तो व्यू करो पहले रूट को प्री ऑर्डर। ठीक है, फिर लेफ्ट को करो, फिर राइट चाइल्ड को। तो पहले रूट, फिर अगर उसका लेफ्ट है तो लेफ्ट पे जाओ, ठीक है, अगर नहीं तो राइट पे जाओ, अगर लेफ्ट है तो पहले लेफ्ट पे जाओ और फिर राइट पे जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर बोल रहा है पहले लेफ्ट को जाओ, फिर रूट पे आओ एंड देन लास्ट में राइट को प्रोसेस करो। फिर है पोस्ट ऑर्डर, पहले लेफ्ट को, फिर राइट को और फिर रूट को। आप अगर देखोगे ये चीजें, ये तीन चीजें, ठीक है, तो ये तीन तीनों चीजें एक्चुअली प्रे हुआ पहले, इन हुआ इन बिटवीन एंड पोस्ट हुआ बाद में। तो ये तीनों चीजें जो हो रही है एक्चुअली बात हो रही है रूट की, है ना। तो ये जो बात हो रही है असल में यहाँ पे, ये जो बात जो भी हो रही है, ये बात असल में रूट की हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें भी तो ये एक्चुअली जो भी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है रूट की, कि रूट कब प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एरो ड्रॉ किया फ्रॉम रूट, प्री ऑर्डर में पहले रूट आता है, इन ऑर्डर में जो है वो रूट इन बिटवीन आता है, एंड पोस्ट ऑर्डर में जो रूट है वो एट द लास्ट। ठीक है, तो इट्स कॉमन कि जो हम भी जो एक ऑर्डर जिसका बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द रूट, कि रूट कब आ रहा है। और एक अलग सी बात, एक जरूरी बात अगर यहाँ पर आप देखोगे, देखोगे प्री ऑर्डर में पहले लेफ्ट है उसके बाद राइट है, एंड इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट है उसके बाद राइट है, एंड पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट है उसके बाद राइट है। यानी हर एक ऑर्डर में, चाहे वो प्री ऑर्डर हो, इन ऑर्डर हो या पोस्ट ऑर्डर हो, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि राइट लेफ्ट से पहले आए। ठीक है ना, हाँ रूट कभी कहीं भी आ सकता है, तीन जगह पे आ सकता है, चाहे पहले आए या इन बिटवीन टू आए या लास्ट में आ जाए, बट द राइट जो है, राइट नोड दैट विल ओनली बी प्रोसेस्ड आफ्टर द लेफ्ट नोड। ये चीज क्लियर? Am I clear? Yes, sir. So we'll move to the next. We'll discuss what is pre-order. तो pre-order होता क्या है? Pre-order जो हमारे पास है, ये ट्रेवर्सल, ये क्या बोलता है, द प्रायर ट्रेवर्सल ऑफ ए नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री, दिस लाइन, द प्रायर ट्रेवर्सल ऑफ ए नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज फॉलोज। जो प्रायर ट्रेवर्सल है एक नॉन एम्प्टी, यानी हम हमें पता है ट्री कैन बी ए नल एज वेल, उसमें एक नॉन, क्योंकि सेट में हम बात कर रहे हैं तो सेट एक एम्प्टी सेट भी होता है, लेकिन यहां पर हम नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब नल होगा, अगर ट्री में कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको ट्रेवर्स क्यों करें, जब उसमें कुछ नहीं है तो उसमें ढूंढेंगे क्या। ठीक है, तो प्रायर ट्रेवर्सल ऑफ ए नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री, हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज फॉलोज। ऐसे विजिट द रूट नोड, पहले रूट को विजिट करो, दिस थिंग, ओके, पहले इसको विजिट करो, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, फिर लेफ्ट सब ट्री में आ जाओ, यानी इसका लेफ्ट ये है, सबको ट्रेवर्स करो, इसको प्रोसेस करो, जो भी आपने करना है। इन ट्रेवर्स वी कैन विजिट द नोड, हम बस खाली नोड को विजिट कर सकते हैं, या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम नोड को कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक करें, कुछ एडिट करें। इनकेस आवर नोड इज ए कॉम्प्लेक्स डेटा, इफ आवर नोड इज ए सिंपली
سیریل نمبر اور سم سمپل کی, جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے سمپل سے سمپل ایگزامپل میں, جیسے یہاں پہ ہم نے دی ہے کہ جو نوڈ ہے وہ خود بھی خود ہی ڈیٹا ہے, سارا ڈیٹا اسی میں ہے. بٹ ایز یو نو نوڈ کین بی اے کمپلیکس ڈیٹا ایز ویل. تو بول رہا ہے کہ نیکسٹ پارٹ بول رہا ہے کہ ٹریورس کرو لیفٹ سب ٹری میں, آپ لیفٹ اس روٹ کے لیفٹ میں آ جاؤ, اوکے, ان پری آرڈر, اور اس کو بھی پری آرڈر میں کرو. پری آرڈر کا مطلب, پری آرڈر کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہاں پہ پہنچ گئے اس بی پہ, تو یہ آپ ایک خود سے یہ پارٹ ایک سب ٹری بن گیا, تو اس کو بھی پری آرڈر ایسا ہی کرنا ہے. پری آرڈر میں پہلے لیفٹ, پھر ہم رائٹ پہ آتے ہیں, اینڈ اس کے بعد روٹ پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ایگزامپل میں ابھی میں نے آپ کو سکھایا بھی تھا کہ ابھی ہم نے جو بات کی تھی, ہم بول رہے تھے کیسے چیزوں کو کرنی ہے, ایک بار اس پہ پھر سے نظر دیکھتے ہیں. پری آرڈر, ٹھیک ہے, پری آرڈر میں پہلے روٹ اینڈ دین لیفٹ اینڈ دین رائٹ, ٹھیک ہے. تو پہلے جو نوڈ, جس نوڈ پہ ہمیں کام کرنا ہے پہلے اس کو پروسیس کریں گے, پھر اس کو لیفٹ کے پروسیس کریں گے, پھر اس کو رائٹ کے پروسیس کریں گے, ٹھیک ہے, اوکے. کمنگ ٹو دا دس, تو پہلے وزٹ دا روٹ نوڈ, جو روٹ ہمارا ہے اس کو وزٹ کرو, اس کو پروسیس کرو. اگر ہمیں پروسیس یہاں پہ سمپل ہے, ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, سمپل پروسیس میں ہم اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں. اینڈ ٹریور دا لیفٹ سب ٹری ان پری آرڈر, جو اس کا لیفٹ سب ٹری ہے, یعنی جو ہمارے پاس ابھی پہلا روٹ آف دا ٹری از اے, پھر اس کا جو یہاں سے بن جاتا ہے یہ ایک الگ سے سب ٹری بن جاتا ہے, اس کو پروسیس کریں گے اسی پری آرڈر میں, یعنی پہلے روٹ کو پھر لیفٹ کو. اینڈ ٹریول دا رائٹ سب ٹری ان پری آرڈر, پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ سارا ختم کیا, پھر ہمیں تھرڈ اسٹیپ پہ کیا کرنا ہے, ہمیں اس رائٹ سب ٹری کو, اس کو ہم بولتے ہیں لیفٹ سب ٹری, اس کو ہم بولتے ہیں رائٹ سب ٹری, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو آپشن ہے پری آرڈر میں, وی ہیو ٹو فرسٹ پروسیس دا روٹ, دین اس روٹ کا اگر لیفٹ پارٹ ہے, جو بھی چاہے جتنا بھی بڑا ہو, جتنا بھی وہ سب ٹری بڑا ہو, اس کو پروسیس کرنا ہے, اور اس کے پاس لیفٹ کو اس کے رائٹ کو پروسیس کرنا ہے. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کیسے ہم اس کو کام کریں گے, پہلے پروسیس کس کو کریں گے, ہم اے کو, ٹھیک ہے. اگر ہمیں ڈسپلے کرانا ہو تو اس کا مطلب ہمیں پہلے اے کو ڈسپلے کرانا ہے, ڈسپلے اے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمیں ڈسپلے کرنا ہو تو ڈسپلے کے لیے ہمیں پہلے, ہم نے پہلے اے کو ڈسپلے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھو ہمیں اپنے ٹری کے لیفٹ پہ جانا, کیونکہ پری کا مطلب پہلے روٹ آئے گا, اس کے لیفٹ میں جانا. اس کے لیفٹ میں کیا ہے, بی. جب اس کے لیفٹ میں بی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے بی کو پروسیس کرنا ہے, بی کو پروسیس کیا, اوکے. پھر بی کا لیفٹ بھی ہے اور بی کا رائٹ بھی ہے, لیکن پری آرڈر ہمیں بول رہا ہے کہ پہلے لیفٹ جاؤ. ہم بی کے لیفٹ میں گئے تو ہمیں ڈی ملا, ڈی خود سے ایک نوڈ ہے تو اس کو پروسیس کیا, ٹھیک ہے. ہم اس کے بعد کیا کر رہے ہیں, ہم ڈی پہ جب جا رہے ہیں تو ڈی بول رہا ہے کہ میرا لیفٹ بھی ہے اور میرا رائٹ بھی ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, پہلے لیفٹ پہ جانا ہے. تو ہم پروسیس کریں گے پہلے اس کے لیفٹ کو جو ایچ ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہم ایچ پہ پہنچ رہے ہیں, یہاں پر ہمارے پاس ایک کنڈیشن آتی ہے. ایچ کا جو ہمارے پاس یہ ایچ ہے یہاں پہ, ایچ یہ ایک لیف نوڈ ہے. بائی لیف نوڈ وی مین دیٹ اے نوڈ جس کا نہ رائٹ پارٹ ہو نہ لیفٹ پارٹ ہو, یعنی جس کا سب نہ رائٹ چلڈرن نہ لیفٹ چائلڈ ہو, اس کا کچھ نہیں ہے, یہ ایک لیف نوڈ ہے, یہ خالی ہے, اس کا اور یہ کسی کا پیرنٹ نہیں ہے. تو جب یہ کسی کا پیرنٹ نہیں ہے, خود یہ پروسیس ہو چکا ہے, جب یہ خود پروسیس ہو چکا ہے, اس کا مطلب ہم اس کے اوپر آ جائیں گے ایک اسٹپ. اس کا جو پیرنٹ نوڈ ہے وہ تو خود بھی پروسیس ہو چکا ہے. جب کسی نوڈ کا پیر وہ خود پروسیس ہوا ہے, اس کا لیفٹ بھی پروسیس ہو چکا ہے, دین ہمیں کیا کہاں آنا ہے, اس کے رائٹ پہ. اور یہی بول رہا ہے پری آرڈر کا, یہی مطلب ہے, پہلے روٹ کو پروسیس کرو, پھر اس کے لیفٹ کو پروسیس کرو, پھر اس کے رائٹ کو پروسیس کرو, ٹھیک. تو جب ہم یہاں پہ پہنچ گئے, جب ہم اسٹپ پہ پہنچ گئے, یعنی ہم نے ابھی تک کیا کیا, وی ہیو پروسیسڈ اے and then we have processed b and then we have processed d and then h. ab jab hame h khatam ho gaya, hame
वापस आना है डी पे, लेकिन डी तो हमने पहले ही क्रॉस किया है, इसका मतलब हमें राइट पे आना है। जब हम राइट पे आएंगे वी विल डू दिस एच आई। एम आई क्लियर? ये चीज यहां तक समझ आई? यस सर। सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो इसका मतलब हम एच आई पर पहुंच गए, आई को हमने किया है प्रोसेस। ठीक है, आई को हमने प्रोसेस किया, यानी हमने इसको प्रोसेस किया है, हमने इसको भी प्रोसेस किया है, इसको भी प्रोसेस किया है, इसको भी और इसको भी। अब हम एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं, जब हम एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं हम डी पे पहुंच जाते हैं, ये प्रोसेस हुआ है पहले। उसके बाद एक स्टेप और ऊपर आ जाते हैं हम बी पे पहुंच जाते हैं, एंड बी हमें पता है कि बी ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ है यहाँ पे हम। तो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि बी का अब लेफ्ट पार्ट सारा प्रोसेस हो गया, तो जब भी जिसका बी लेफ्ट पार्ट प्रोसेस हो जाता है हम उसके राइट पे आ जाते हैं। जब हम उसके राइट पे आ जाएंगे हम कहाँ पहुंचेंगे, ई पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास होगा दैट विल बी ई। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम देखें हमारा जो ये लेफ्ट सब ट्री है, ये सारा का सारा हमें इस प्रोसेस हो गया, यानी हमने सब नोड को विजिट कर लिया। और हम जब यहां से वापस आ जाते हैं हमारे रूट पे, हम देख रहे हैं हमने रूट को तो पहले ही प्रोसेस किया है, क्योंकि प्री ऑर्डर बोल रहा है पहले रूट को प्रोसेस करो। तो हमने ए को भी पहले ही प्रोसेस किया यहाँ पे, और हम देख रहे हैं ए का जो लेफ्ट पार्ट है वो सारा का सारा प्रोसेस हो गया। जब किसी रूट का सारा लेफ्ट पोर्शन या लेफ्ट सब प्रोसेस हो गया प्री ऑर्डर में ही, तो देन हम क्या करते हैं, हम उसके राइट साइड पे चले जाते हैं। अब आ गए हम यहाँ, ठीक। तो हम आगे इसका राइट पोर्शन जो है प्रोसेस करना है। कैसे करेंगे राइट पोर्शन, हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पहले सी को करेंगे प्रोसेस, रूट को हमें प्रोसेस करना है, प्रोसेस टू। एंड हमें यहाँ मिल रहा है किसका लेफ्ट, तो हमें पहले लेफ्ट पे जाना है, हम एफ को कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे जब देख रहे हैं कि एफ जो है ये खुद से एक लीफ नोड है, ना इसका राइट है ना इसका लेफ्ट है, इसका मतलब हमें वापस जाना है। जब हम वापस जा रहे हैं सी पे, सी तो ऑलरेडी प्रोसेस है, तो हम इसके राइट पे जाएंगे। जब राइट में हमें मिल रहा है जी, तो अब ऐसे हमें क्या पता चलता है कि जी पे, क्योंकि और कोई नोड नहीं है, ये तो खुद लीफ नोड है, तो हमें पता चल रहा है कि हमने अभी तक क्या किया, हमने एल को भी खत्म किया है, हमने राइट को भी खत्म किया और हमने ए को भी खत्म किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है प्री ऑर्डर का सारा ट्री जो है प्रोसेस हो गया है, हमने हर एक को विजिट किया। तो हमने विजिट कैसे किया, हमने पहले ए को विजिट किया, उसके बाद लेफ्ट में उसके बी था, फिर बी के लेफ्ट में डी था, फिर डी के लेफ्ट में एच था, फिर एच से वापस आ गए हम डी पे, लेकिन डी पे और कुछ नहीं था, लेफ्ट में हम खत्म हो गए, तो डी के एच राइट पे जा रहे हैं, आई मिल रहा है हमें। जब आई हमने खत्म किया तो हमें पता चला कि हमने जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन डी एच आई, ये ट्री जो है ये खत्म हो गया है, हम फिर बी पे आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं बी को हमने ऑलरेडी प्रोसेस किया है यहाँ पे, हमने बी को प्रोसेस किया है, तो हमें बी के लेफ्ट को भी प्रोसेस किया, तो हम बी के राइट पे आ जाते हैं, वहां पे हमारे पास ई है। जब ई को प्रोसेस किया हमने, तो हमें पता चला कि ई तो खुद एक लीफ नोड है, तो हम इसके न दाएं जा सकते हैं न बाएं जा सकते हैं, हम वापस आ जाते हैं इसके पैरेंट पे। इसका पैरेंट बी है, और इसका पैरेंट बी जो ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है, तो इसका मतलब हमने ये वाला पोर्शन सारा खत्म किया है, हम वापस जा रहे हैं बी के पैरेंट पे। बी का पैरेंट जो खुद रूट है ए, हमें पता चल रहा है कि हमने ए को तो पहले ही प्रोसेस किया है, इसका मतलब हमने लेफ्ट को खत्म कर दिया। जब हमने लेफ्ट को खत्म कर दिया है, तो हमें राइट को जाना है, हम राइट को जा रहे हैं, हम पहले ही हमें मिल रहा है सी, हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं। जब हमें सी प्रोसेस हो गया है, हम देख रहे हैं कि सी का लेफ्ट पोर्शन भी है एंड सी का राइट पोर्शन भी है, हम सी के लेफ्ट पोर्शन को पहले प्रोसेस करेंगे एंड दैट इज एफ। एफ पे हमें पता चल रहा है कि एफ खुद एक लीफ नोड है, तो लीफ नोड को ना हमें प्रोसेस लीफ नोड तो हमने प्रोसेस किया, ना इसके लेफ्ट पे जा सकते हैं ना इसके राइट पे जा सकते हैं,
अगर ना लेफ्ट राइट नहीं जा सकते, हमें वापस आना पड़ता है इसके रूट पे। जब हमने इसको रूट पे आ गए, वो तो पहले प्रोसेस हो गया है, लेकिन उसका राइट चाइल्ड है, जो उसका राइट चाइल्ड है वो जी है, हमने उसको प्रोसेस किया। और जी को प्रोसेस करने के बाद हमें पता लग रहा है कि हम इसके बाद और कुछ नहीं है, क्योंकि ये खुद एक लीफ नोड है। तो अगर हम इस सीरीज पे नजर डालें, जो हमने ए बी डी एच आई ई जी सी एफ एंड जी, तो हमें हम अगर देखें अपने इस ट्री को, एग्जाम्पल वाले ट्री को, हमें पता चल रहा है कि हमने क्या किया है, हमने एक एक करके सबको जो है प्रोसेस कर दिया है। ठीक है, अब हम फिर से एक बार देख भी सकते हैं कि हमने जो है एक एक करके इसको फिर से प्रोसेस कर दिया है। हमारे पास ए है, ए इज हियर, वी हैव बी एंड बी इज हियर, वी हैव सी, सी इज हियर, वी हैव डी दैट इज हियर, सी दैट इज हियर, एफ एफ इज हियर, जी जी इज हियर, एच एच इज हियर, आई आई। तो हमने इस सारे के सारे ट्री को असल में क्या किया है, इसको सारे ट्री को हमने प्रोसेस कर दिया है। क्लियर, ये बात समझ आई यहाँ तक? यस सर। जावा समझ सुषमा, क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मत है अभी तक, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, नो सर। ठीक है, सेल्फ डिफाइनेंस, इसमें क्या करना होता है, पहले रूट को, पहले रूट को जहां पर आप पहुंचे उसको प्रोसेस करो, यानी उसको व्यू करो, उसको डिस्प्ले कराओ, एंड देन गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ दैट ट्री, उसके लेफ्ट साइड में चले जाओ, उसके लेफ्ट साइड में जो भी अगर आपको मिलेगा पहला, उसको प्रोसेस करो, फिर उसके लेफ्ट लेफ्ट में चले जाओ, जब तक कि आप लीफ नोड तक ना पहुंच जाओ। ठीक है, ओके, ये बात समझ आई? यस सर। तो हम एक और एग्जांपल एक देख सकते हैं, हम उससे भी एक क्रिएट कर सकते हैं, सपोज विल लाइक दिस। वन टू थ्री एंड फाइव। ठीक है, तो ये जो है मैंने एक सिंपल से एक बाइनरी ट्री बना दिया। तो अगर हम इसमें देखें प्रीऑर्डर में देखें, प्रीऑर्डर पहले क्या बताता है कि हमें क्या करना है, पहले रूट को करना है, तो रूट इज वन, फिर उसके लेफ्ट में जाना है, उसके लेफ्ट में है हमें ऑप्शन, उसके लेफ्ट में गए, हमारे पास हमें मिलता है टू, फिर टू का भी लेफ्ट है, जब टू का लेफ्ट है तो उसके लेफ्ट में जाएंगे तो हमें मिलता है फोर। फिर फोर के ना लेफ्ट है ना राइट है, यानी हमें वापस आना है उसके पेरेंट पे, जब उनके पेरेंट पे आ गए वापस टू है, टू को हमने प्रोसेस किया है, तो इसका मतलब हमने लेफ्ट खत्म किया है इसका, हमें अब इसके राइट पे आना है, जब हम इसके राइट पे आ जाते हैं हमने प्रोसेस करना है फाइव को। जब फाइव प्रोसेस किया, ना फाइव का लेफ्ट है ना राइट है, यानी हम इसको वापस आना है, वापस आ गए टू पे, अब जब वापस आ गए टू पे, हमने इसका लेफ्ट भी किया है खत्म, इसका राइट भी किया है, इसका मतलब इसके पेरेंट पे जाएंगे जो कि हमारे पास रूट है। रूट तो खुद से हो गया है प्रोसेस, यानी इसका लेफ्ट खत्म हो गया, हम इसके राइट पे आ रहे हैं, जब हम इसके राइट पे आ रहे हैं तो हम पहुंच रहे हैं थ्री पे, और थ्री क्योंकि एंड नोड है, इस पे और कोई, ये लीफ नोड है, इस पे और कुछ हो ही नहीं सकता, इसका मतलब जो है ओवरऑल हम सारी चीज जो है खत्म कर चुके हैं, हम अभी तक जो भी हमारा काम था प्रोसेसिंग का वो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है,